सिटी न्यूज बुलेटिन के इस स्पॉट एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9096846111। देखिए आप जैसा बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग देखो हर चीज का किए उसका विरोध किए, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में हमारे पास क्या, यदि ये नहीं तो क्या कैसा होना चाहिए? नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि नागरिकता देने के लिए अभी जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं तीनों देशों के, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जितनी भी आईबी एजेंसीज है, इसने सबसे पहले देखो कोई भी कानून बनता है तो इसको तीन पहलू देखे जाते हैं, लीगल, सोशल और फाइनेंस। लीगल, ये लीगल है कि नहीं है, संविधान के अंदर में इसको है कि नहीं। सोशल, इसके सोशल लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा, और फाइनेंस, आपके पास इतना बजट है कि नहीं है। तो ये तो कानून बनाने वालों का काम है। कि उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रॉ है उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी कि देखिए अगर आप बाहर के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं तो इसके अंदर में मुसलमान जो है आतंकवादी वो भी अपने छुप कर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे नहीं जाएंगे, कुछ भी मांगे नहीं जाएंगे। अभी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि शरणार्थी को वहाँ पर नागरिकता दी जाए, तो इसके अंदर में बाहर से जो है तो वो एंटी सोशल एलिमेंट्स के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अब ये देश के गृह मंत्री जी का ऐसा ख्याल था कि बस कानून बनाना है, इसको जल्दी में लागू किया गया और रॉ की जो रिपोर्ट है उसको कचरे के टोकरी में डाल दिया गया। राजनीतिक रूप से बाकी पार्टियों का नुकसान है क्या कानून बनने में? राजनीतिक रूप से वोट बैंक के रूप में बाकी पार्टियों का नुकसान हो रहा क्या, जो बाकी पार्टियां सारी अभी इसका विवाद करेंगे, नहीं होना चाहिए, कहीं उनका वोट बैंक जा रहा है ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सभी पार्टियां जो आज, ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी सही हो और सभी आदमी गलत हो। आप देखिए सिर्फ एक बीजेपी एक सपोर्ट कर रही है, बाकी उनकी बीजू अभी तक की 7 से 8, 11 मुख्यमंत्रियों ने कह चुके हैं कि हम NRCOC अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, उनको बैठ के लोगों को जो संभ्रम फैला हुआ है उसको दूर करना चाहिए, इसके अंदर में क्या परेशानियां आएंगी उसको समझना चाहिए, और ऑफिसर लोगों के साथ बैठकर, दूसरे तमाम लोगों के साथ बैठकर, सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठकर एक कॉमन सिविल प्रोग्राम बनाना चाहिए और लोगों की जो आक्रोश है उसको कम करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये नहीं तो क्या होना चाहिए था देश में जो घुसपैठियों को निकालने के लिए? घुसपैठियों को निकालने के लिए और भी कोई रास्ते है, लेकिन NRC और CA के लिए जो आज देश में माहौल है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप जनमत संग्रह लो, जनमत संग्रह लेकर जो पब्लिक चाहती है, जो जनता चाहती है वैसा हो। कैसा है कि आप कानून तो लागू कर रहे हैं, ड्राफ्ट भी बना रहे हैं, और उसके बाद में आप ये भी बोल रहे हैं कि हमारा ड्राफ्ट तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि बीच में ऐसे कई स्टेटमेंट आए हैं जिसके कारण देशवासी बहुत भ्रम में पड़ गए हैं कि आखिर वो क्या रहा है। सरकार समझाने में असफल रही है, कानून क्या करके। बिल्कुल इमरान भाई, आपको क्या लगता है कि पर्याय व्यवस्था क्या होनी चाहिए थी यदि ये सीए कानून नहीं है, तो जो देश में घुसपैठी है उनको निकालने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कानून बनना चाहिए था, क्या सरकार ने प्रयास करना चाहिए था? सबसे पहले तो हम ये बात स्पष्ट करना चाहते देश की सरकार से, देश की सरकार पंजाबी आइए ना, जिस तरीके से एक देखिए हमारे यहाँ सिक्योरिटी जो है आर्म फोर्स है जो बहुत पावरफुल है, जब पावरफुल आर्म फोर्स है तो घुसपैठियाँ हुआ कहाँ से, इसमें भी हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा ना, हुआ कहाँ से उसके विषय में जाना। हुआ तो ये तो है कि घुसपैठिये तो आते हैं कहीं से भी, नहीं आते ऐसे। पंजाब भैया, अभी CA का जो लागू किया है कानून, किया, आपको क्या लगता क्या गलत है इसमें, क्यों इतना विवाद हो रहा है इसके लिए? हमारे कहने के मुताबिक तो वह विवाद होने को नहीं होगा, भारत की जो जनता है वो सब समान है, ये हिंदू राष्ट्र में रहने वाले लोग हिंदू रहते हैं, इसमें CA रहे, CRA रहे, ये जो कानून लगाते रहते, कोई भी कानून लगाने के लिए पहले सबसे पहले खुलासा करने को होना चाहिए आम जनता के, यानी जो लोगों के सामने पिछले जैसा नहीं हो जाने को ना, जैसा नोटबंदी का एक उदाहरण, जैसा नोटबंदी लगाए थे देश पर लाद दिया था, जो लोगों को विश्वास में नहीं लिया था, वैसा कोई भी कानून लेते वक्त विश्वास में लेने को ना, कोई भी कानून लगाने को ना, अवैध नहीं रखने को ना कोई चीज, यानी जनता को यानी लीडर को विश्वास में लेके, हर पार्टी के लीडर को विश्वास में लेके कोई भी चीज अपने अलमत में लाने को ना। ऐसा अभी तो जैसे 303 का आंकड़ा उनका, कितने पार्टी को विवाद में ले ली, यदि बहुमत तो उनके तरफ, तुम्हारा चर्चा क्या काम में आती है, जनता ने चुन के दिया इतने उससे उनको। सर जी देखो, कभी कभी क्या होता है बहुमत अपने साथ में, लेकिन लोगों का दिल जितना भी जरूरी, जरूरी नहीं है कि बहुमत ही जरूरी होना साथ में। आज जब तुम जब बहुमत के अगेन में जब अपना जब दिल हासिल करते होंगे तो बाकी दिल का दिल जब नहीं जीतेंगे तो क्या काम का बहुमत, इससे क्या नुकसान, क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान लोगों का दिल दिखेंगे और क्या होने वाला है आत्मा, और जो नहीं बनना है, जो नहीं, जो उत्पन्न नहीं होने वाला है वो उसमें और आउटलुक निकलना है,
चंदू भैया हम उसमें ना ही गठबाजी होने वाली जिस तरीके से बीजेपी सेकंड जो पार्ट आया है तो ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत जल्दबाजी में प्रस्ताव लाया जा रहा है। आज महानगर पालिका की अगर आम सभा में कोई प्रस्ताव आता है, प्रशासकीय प्रस्ताव आता है, तो उसकी दिन भर चर्चा होती है और एक महीने के बाद में उसको कल दे मंजूरी दी जाती है। मगर देश की इतनी बड़ी संसद के अंदर सेम डे प्रस्ताव लाया जा रहा है और सेम डे उसके ऊपर वोट मत लिया जा रहा है, तो ये आखिर ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें ऐसे दादागिरी है? बहुमत है उनके पास, बहुमत जरूर है। चंदू भैया तो अपने देश की आर्थिक मंदी इतनी बुरी है, ऐसी चल रही है, उसमें तुम ऐसे ऐसे एक एक लाद रहे, यानी आम जनता ने क्या करना? आज आम जनता की तरफ देख रहे भटकाने के लिए, और आप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, पूरा पूरा पूरे विवाद में घुल गए कि भाई मैं मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ से लाऊंगा, नागरिकता का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। आप वो देश के मंदी की तरफ तो नहीं झांक के देख रहे, भलती विषय इधर मोड़ बता दी। बाकी पार्टियां भी अभी कि भाई उस पर कहाँ चर्चा करती है, वो भी तो सब इसी विवाद पे आ गई है। अब लगेगी ना चर्चा के लिए, उन्होंने वन साइड बहुमत से जब पारित किया होगा तो बाकी पार्टियां अपने पारित रखेंगी। अभी उसमें आपको क्या लगता है कानून बदलना पड़ेगा सरकार को? अब जनता का प्रेशर पूरा का पूरा पड़ेगा, पब्लिक स्टैंड क्या करती इस पर निर्भर रहेगा। पब्लिक तो अगर जब बोलेंगे तो क्या बहुमत का जर लागू होने के बावजूद भी पूरे देश में इसका विवाद शुरू है, विवाद शुरू पूरे कहीं पे भी ऐसे लागू होने के बाद में नहीं, कोई मान लो सरकार हमको नहीं तो इस पे अगेंस्ट में कुछ कर देगी। बोलने का अधिकार सबको, विरोध करने का अधिकार है। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विरोध करने को, थोड़ी आप किसी को रोक सकते? हमारा तो साधारण लोगों का एक ही कहना है कि देश के हित में अच्छे अच्छे निर्णय लेने को ना, सारी जनता के साथ में एक मत में रहने को ना। जो क्या लगता है कानून से क्या होगा करके? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। 303 लोगों ने आज नहीं साथ है, नहीं नहीं नहीं, वो तो सारे एक 40 लोगों ने लेने को होना, फिर सबका साथ होगा। तुम एक को नहीं छोड़ सकते। क्या होता है ये कानून बदलना चाहिए नहीं बदलना? अब तो वो उन्होंने बहुमत से पारित किया, हम लोकशाही पे विश्वास रखने वाले लोग है, उन्होंने अगर संसद में पारित किया तो वो लागू होने को ना, लेकिन सबको लेके तुम एक कम्युनिटी बदलाव छोड़ सकते? बदलाव जरूरी है ना, और बदलाव कुछ तो भी करो, लागू होगा होना चाहिए, कुछ तो भी करो, बदलाव का ही कानून लागू किया है। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सबने साथ दिया है, तुम एक कम्युनिटी को कैसे छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे ये बोलो तुम। सत्ता आ गई तो तुम ऐसा हुकुम नहीं कर सकते ना। एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, नहीं, कि ये गलत है। अरे जिनका इस देश के स्वतंत्रता में यहाँ पे जो धर्म के आधार पर जो भी है वो तो हमको देने नहीं, नहीं, वो धर्म के आधार पर कैसे? धर्म के आधार पर जो जो देश हो गए उनका सत्यानाश ही होगा। ये देखो तुम सबको लेके चलना पड़ेगा, धर्म निरपेक्षता अपने संविधान में है, उनको अपना इंडिया ही है कि ज्यादातर हिंदू अपने यहाँ पे है, बाकी मुस्लिम शासित देश बहुत ज्यादा है, उनको तो वो कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, लेकिन हिंदू को लेने के लिए सिर्फ इंडिया ही है। मैं यही बोल रहा हूँ जैसे हिंदू कहीं नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, सबका ये बराबर है, लेकिन कोई भी कहीं पर भी जा सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, बाकी देशों में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, तो उनको ले सकते हैं। उनको उनके लिए कानून बनाया बोलते और ऑलरेडी जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको दिक्कत ही नहीं है ना, हमारा जनता को वही कहना है कानून लाते तो उसका स्पष्टीकरण क्लियर करके सरकार ये कानून पूरा लोगों के सामने प्रस्तुत करने में समझाने में फेल हुई है। फेल हुई है क्या लगता है कि सरकार फेल हुई है या कानूनी रूप से लागू हो जाएगा? संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वो कानून पास है संख्यात्मक, लेकिन जो पार्टी से बहुमत रहता वो उनके विरोध में नहीं जा सकते, क्योंकि वो पक्ष से जुड़े हुए क्या आते हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती। अब दलित सब बीजेपी से चुन के आ गए, मुस्लिम बीजेपी से चुन के आ गए, नहीं बोल सक रहे वो, हाँ नहीं बोलते ना वो। तुम संख्यात्मक बहुमत मत देखो, तुम दिल से क्या चाह रहे हो। वो अगर कुछ पक्ष के विरोध में बोलते है तो पक्ष उनको हकाल देता है, रूल में आता है। ये संख्यात्मक नहीं गुणात्मक कानून होना, धर्म निरपेक्षता अपने संसद कानून की क्या संविधान में है। मेरा ऐसा बोलना है कि हमारा जो संविधान है उसमें सेक्शन 14 जो है ये बहुत स्पेसिफिक है कि आप धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव आप नहीं कर सकते।
जब आप धर्म के ऊपर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, जैसे जब आरक्षण का मुद्दा आया मुसलमानों का, तो सरकार ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। जब आप मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, तो फिर आप एक धर्म के आधार पर एक आप एक्ट में अमेंडमेंट कैसे कर रहे हैं? तो क्या ये वापस चैलेंजेबल एक्ट है? बिल्कुल, क्योंकि ये संविधान को इन्होंने छेड़ा है, संविधान से हटके जाकर कानून बनाया, तो इसकी क्या अभी आगे कानून प्रोसेस क्या हो सकती है? बाकी तो सारी चर्चा लोगों ने की है, सब हुआ, 14 मालूम आर्टिकल, 5 मालूम सारे आर्टिकल, इसकी कानून प्रोसेस आगे क्या हो सकती है? इसका क्या रिजल्ट आ सकता है आपके कानून के रूप में? ये जो एक्ट बना है, जो अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसका कारण सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है। आप वो लोगों को, वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो है, घुसपैठिया जो है, उनको आप नागरिकता दे रहे हैं। आपको क्या पता है कि वो क्या है? ना, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जो आने वाला एक जरूरी नहीं कि जो लोगों को आप रोकना चाह रहे हैं वो अगर अपना नाम बदल के आ जाए, यानी क्रिमिनल जरूरी नहीं कि मोमेडियन दूसरे भी हो सकते। मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं तो उससे आगे जाके बोलता हूँ आपको, मोमेडियन अगर अपना नाम बदल के आ जाए, आपको तो कोई कागज ही देख रहे ना आप, आने वाले आपको सीधा उनकी नागरिकता दे रहे हैं आप। अगर वो यहाँ आ जाए, या दूसरे मुल्कों के वो हार्डेंड क्रिमिनल्स जो वहां पर रखने लायक नहीं है, वो अगर यहाँ आ जाए नाम बदल के और आप उनको नागरिकता अगर दे दे, और जो लोग हजारों सालों से यहाँ रह रहे, जो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के सिद्ध कर रहे अपने में सुख में हाथ बटा रहे, उनको आप ये करें कि आप अपनी नागरिकता सिद्ध करो। अब ये बताइए मुझे, जैसे जो अभी अमेंडमेंट हुआ है और जो हमारे जो रूल्स बने हैं 2003 के अंदर NPR के, यानी मतलब सिटीजन एक्ट के अंदर 2003 में जो रूल्स बने हैं, उन रूल्स के मुताबिक जो समझो दो में से किसी भी एक पेरेंट्स अगर घुसपैठिया है तो उसके बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएंगी। अब ये बताइए ये बच्चे कहाँ जाएंगे? यानी आप उनके पेरेंट्स परिवार का परिवार नागरिकता नहीं, आप पेरेंट्स को नागरिकता दे रहे और आप अपने एक्ट के अंदर बोलते कि बच्चे को हम नागरिकता नहीं देंगे, तो ये पेरेंट्स यहाँ पर नागरिक बन जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? अब ये बताइए मुझे, जो सैकड़ों लाखों करोड़ों गरीब यतीम बच्चे हैं जिनके माँ नहीं है बाप नहीं है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो अपना प्रूफ कहाँ से लाके देंगे? आपने ये एक्ट के अंदर ये क्लियर ही नहीं किया आपने। एक्ट में बहुत सारी कमियां है, एक्ट में और अमेंडमेंट चाहते हैं आप, इसको और सुधारना, हम ये चाहते हम ये चाहते जो हमारा संविधान है उसके दायरे में आप एक्ट बनाइए, हमको कबूल है। आप एक बार नहीं 1000 बार NRC कराइए, हम तैयार हैं। एंड जो NRC करना है वो उसमें प्रॉब्लम, उनकी जो प्रोसेस है उसमें चैलेंज है। NRC का कनेक्शन CAA से है, अगर CAA को आपने जो अमेंड किया है उसको निकाल दे आप, भले NRC ले लो, 1000 बार NRC कराओ, हम तैयार हैं। हम इस देश के वासी है, आप जितनी बार बोलेंगे हम उतनी बार हमारी नागरिकता सिद्ध करके देंगे आप। इसमें कानूनी चैलेंज क्या होगा? कानूनी चैलेंज मैं जो आपको बताया हूँ ना, सबसे बड़ा थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी को है हमारे। नहीं, अब इसको आप चैलेंज कैसे कर सकते इसको? चैलेंज तो हम यही करेंगे कि भाई धर्म के आधार पर आप कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्ट जो है ना, शुरुआत जो है, हम भारत के वासी, उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि हम हिंदू सिख ईसाई क्रिश्चियन बौद्ध, ऐसा नहीं लिखा है, हम भारत के वासी। जब हमारी शुरुआत यहाँ से राष्ट्र, उसके अंदर जो एकता के बारे में ये सारी चीजें जो है, ये चीजों को ध्यान में रखकर हम उसको एक्ट को चैलेंज करेंगे, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की हम कोशिश करेंगे। पूरा चर्चाओं में जो पूरा निकल कर आ रहा है कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में बिना जनता को कॉन्फिडेंस में लिए ये एक्ट लागू कर दिया, कहीं न होते हुए राजनीतिक फायदा, भले आज नहीं बोले दूसरी पार्टियां कि हमारा वोट बैंक का नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं तो भी वोट बैंक का BJP को फायदा हो रहा है, क्योंकि अंदर से सुर ऐसे दिखते कि वोट बैंक की राजनीति है पूरी, यह देश का निर्णय नहीं है, राजनीतिक निर्णय होने के कारण राजनीतिक
विवाद है, बदलाव चाहिए इस नियम में भी। लोग एनआरसी देने को तैयार है, खुद की नागरिकता सिद्ध करने को भी तैयार है, लेकिन उसके लिए जो नॉर्म्स रखे हैं वो कानून के अंतर्गत होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे चर्चा में आ रहा है। वो जो नॉर्म्स रखे हैं वो कहीं से भी जो यहाँ पे जो इतने सालों से रह सकता है, जबकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं जैन हूँ, मुझे नागरिकता दे दो, उसको कोई कागज मेरे ख्याल से देना नहीं है। और आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये जो बिल एक्ट लाया है, और इससे पहले एक दो दिन बिल आया है, उन्होंने देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का दिया, मगर हम कॉन्फिडेंटली हैं जिस तरीके से हम ये जो देख रहे हैं, आप एजुकेशन देख रहे हैं, पहली बार इतना शांतिप्रिय तरीके से लोग एहतियात कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, मोर्चे कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। सिर्फ कुछ प्रदेशों में जहाँ पे इनकी सरकार है वहीं थोड़ा सा बैलेंस हुआ, बाकी पूरे देश के अंदर बहुत शांतिप्रिय है, पूरे देश की जनता इसमें साथ में है, और ये कॉन्फिडेंट हमको हो चुका है कि इस देश के हिंदू बहुत ही सेकुलर माइंड के हैं, वो कभी नहीं चाहते कि इस देश का मुसलमान बाहर जाना चाहिए, और जो सरकार चाहती थी उसके विफल हो चुका है, उनकी जो मंशा थी वो खत्म हो चुकी है। 26 दिन के प्रोटेस्ट में हमारे साथ में, हम देख रहे हैं कि पूरे देश की जनता हमारे साथ में है, ये देश के लिए बहुत बढ़िया समय है, बहुत बहुत बढ़िया समय है, बहुत अच्छी मजबूती के साथ में पूरे देश की एकता अखंडता, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं कि इस बिल से पूरे देश की एकता अखंडता देखने को मिली है, पूरे देश की आवाम हमारे साथ में है, हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो सरकार जो जिसकी मंशा में थी वो फेल हो चुकी है, ये बिल लाकर बहुत बुरी फेल हो चुकी है। मेरा संदर्भ ऐसा बोलना है कि भाई जैसा सरकार जो बोल रही है डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो बात कर रही है, हमारे गृह मंत्री ने यहाँ तक बोल दिया कि आधार कार्ड भी नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, इलेक्शन कार्ड नहीं चलेगा। अब बताइए ये देश जहाँ पर हाई सिक्योरिटी के अंदर से राफेल के पेपर्स गायब हो सकते, चोरी हो सकते, हमारे बड़े नेताओं के डिग्रियां नहीं मिलती, तो ये गरीब लोग कहाँ से अपने कागजात लाके लेंगे? ये बहुत शर्म की बात है हमारी। कुल मिला के किस प्रकार से कानून लागू करना चाहिए लोगों के साथ में, किस प्रकार से उनको नागरिकता सिद्ध करनी, इसके लिए बहुत कुछ क्लियर है नहीं। जैसे त्रिदीप बता रहे थे कि बहुत इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, शोएब भाई अलग बता रहे, इसमें अभी भी संभ्रम है कि आखिर नागरिकता सिद्ध करने के लिए आम आदमी को क्या करना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए क्लियर करना चाहिए कि नागरिकता एक ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहते आपकी नागरिकता सिद्ध हो जाए, ये डॉक्यूमेंट नहीं तो आपकी नागरिकता नहीं रहेगी, ये नहीं तो वो नहीं तो, इसमें संभ्रम है। आज भी सरकार ने इसकी संभ्रमता दूर करनी चाहिए, और इसमें जो कमियाँ अभी दिख रही, यदि उसमें बदलाव होता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति देश में, कोई घुसपैठिया नहीं चाहता, कोई अपने देश में क्रिमिनल लोग को आने नहीं देना चाहता, लेकिन आने वाले क्रिमिनल नहीं है ये भी सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं है। और भी चर्चा आपके साथ जारी रहेगी। आज यहाँ पे वीएमबी परिसर में हम लोग आए, बहुत सारे लोग यहाँ पे चर्चा में शामिल हुए, यहाँ पे पंजाब राव जी आए वाले थे, शोएब भाई आए हुए हैं, दिलजी पांकर, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ के मॉर्निंग वॉक में घूमने वाले हैं। सुबह सुबह हम लोग इससे लेते हैं कि मॉर्निंग वॉक में जो पैसे बताए, मॉर्निंग वॉक में जो घूमने आते हैं, चिंतन करने वाले लोग रहते हैं, उनको खुद की चिंता रहती है, राष्ट्र की चिंता रहती है, निश्चित रूप से नए विचार यहाँ पर आते हैं। इस हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे कि जो लोगों में संभ्रम है वो दूर करें। धन्यवाद।